Tchau. Tchau. इतना सारा ड्रामा और एक्शन के बाद यू गाइस स्टिल हैंग आउट आ नाइस नो रोज बेबी क्या ना कि जब तुम कुछ नहीं बोलती तो बहुत प्यारी लगती है. इज अ सॉन्ग आल्सो मेड फॉर यू. क्या यू से बेस्ट व्हेन यू से नथिंग एट ऑल. थैंक यू बेबी. ओके फाइन आई वोंट से एनीथिंग टू एनीवन. वैसे आ लिया अभी तक मानिक नहीं आया. He still angry with you. Oh, baby. Baby, आप बहुत प्यास लगी है. चलो किचन में चलते पानी पीते हैं. Don't worry, वो आ जाएगा. What the hell is wrong with you? कल हमारा कॉम्पिटिशन और तुम इस तरह गाओगी. Guys, अगर ऐसे ही तुम लोग करने वाले तो we should not perform. Just forget it. Navya. Oh God. नव्या हर्षद हर्षद मैं उससे जाके बात करती हूँ. नव्या नव्या प्लीज डोंट क्राई ना. क्या हुआ? पागल है बता नंदू. वो सच में पागल है. हर्षद जी के साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है. अब गवार चल ले. मुक्ति को रॉक आता है हर्षद जी की तरह और हमारे लिए रॉक पत्थर है. वो सस्ती है तो वो मॉडल दिखती है. हम पागल लगते हैं. नव्या ऐसा कुछ भी नहीं है. तुम्हें तुम्हें मुक्ति की तरह बनना है तो तुम बन सकते हो. तुम्हें वैसे भी सिंगिंग आती है तो तुम रॉक सीख सकती हो और उसके जैसे कपड़े भी पहन सकती हो ना तुम. बट नव्या एक चीज है जो तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं है. यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हार्ट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नव्या तुम जानती हो ना तुम मुंबई क्यों आई हो. अपना सपना पूरा करने आई हो. सिंगर बनने आई हो. बी फेमस वाला. सो नव्या ये सब छोड़ो. कम लेट्स मेक योर ड्रीम ट्रू. लेट्स मेक इट बिग. हम सिंगर बनने आए थे. स्पेस में एडमिशन लेने के लिए आए थे. म्यूजिक सीखने के लिए आए थे. लेकिन पता है जब से हर्षद जी को देखा ना हमारा सपना बदल गया. नव्या लेकिन लेकिन नहीं हमारा ध्यान ही नहीं है म्यूजिक पे. नव्या प्लीज रुको.